अच्छा, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। लेकिन तुम्हारी माँ की बॉडी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। तुम चाहते कि दोबारा ऑपरेशन न करना पड़े, लेकिन ऐसे ही हालात रहे तो इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। निशा जी, ऑपरेशन एक्सपेंसिव तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम खर्चा कराने की। आई नो योर पोजिशन, आई विल नॉट चार्ज माई फीस, लेकिन मेडिसिन का खर्चा तो आपको करना ही होगा। अमर जान, ये भी जानता हूं कि इस समय तुम्हारी मां हॉस्पिटल में, उसका ऑपरेशन हुआ और वक्त पर दवा ना मिलने की वजह से केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है ना। देखो, तुम्हारी मां का इलाज भी हो जाएगा और उसकी जान भी बच जाएगी। मैं तुम्हें इतने ढेर सारे रुपए दूंगा कि तुम अपनी मां का इलाज आराम से करवा लोगे और कुछ हद तक तुम्हारी माली हालत भी ठीक हो जाएगी। देखो, ये केस वापस ले लो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। हेलो 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 भाई, कौन है, कुछ बोलो तो सही। हेलो, कमाल है, किसका फोन है? हेलो हेलो, मैं निशा बोल रही हूँ। ओह मेरी जान, हाँ बोलो। भाई, मुझे तुम्हारे फोन आने की उम्मीद इतनी जल्दी की तो नहीं थी। वक्त और हालात ने मुझे फोन करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, वक्त बहुत कम है, वरना मैं तुम्हें फोन नहीं करती। यानी कि तुमने अभी तक केस वापस लेने का फैसला पूरी तरीके से नहीं किया। तो ठीक है, जब पूरी तरह से डिसाइड कर लो तब फोन करना। नहीं, फोन मत रखना। हा? तुम मेरी माँ का ऑपरेशन करवा दो, मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। Oh, that's like a sweet, sweet girl. तुमने केस वापस लेने का फैसला किया है, यानी कि बहुत ही समझदारी का काम किया है मेरी जान। मुझे मेरी माँ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना है। पैसे कब तक मिल जाएंगे? केस वापस लेने के फौरन बाद तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। पहले रुपए दे दो, तब मैं केस वापस लूंगी। मैं किसी भी कीमत पर अपनी माँ को खोना नहीं चाहती। कल मुझे रुपए लेकर दे दो, मैं कल ही केस वापस ले लूंगी। चलो ठीक है, मैं ही तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। देखो, कल मैं डॉक्टर बत्रा के कमरे में 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम केस विड्रॉ करने का लेटर लेके आ जाना और मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, ठीक है? इट्स अ जेंटलमैन्स प्रॉमिस। देखो रॉकी, तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसे भूलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
इस दुर्घटना की याद मरते दम तक रहेगी। लेकिन इस वक्त अगर तुम मेरी मदद करोगे तो शायद उस पाप का प्रायश्चित हो जाए जो तुमने किया है। अरे छोड़ो यार, मैं ये प्रायश्चित प्रायश्चित कुछ नहीं जानता। देखो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैंने जवानी के जोश में जो बवाल पाल लिया है ना, बस मैं उसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं अपनी बाप की साख में कोई भी दाग नहीं लगने देना चाहता। देखो मैं सीधे साधे सौदेबाजी में विश्वास करता हूँ, इस हाथ ले और उस हाथ दे, सिंपल। तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए रुपए चाहिए और मुझे अपनी बाप की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारा वो केस वापस लेने का लेटर चाहिए, ठीक है? ओके, सौदा ही सही। कल डॉक्टर बत्रा के कमरे में मैं तुम्हें लेटर दे दूंगी, तुम मुझे रुपए दे देना। ओके मेरी जान, ओके। आप केस वापस लेना चाहती हैं? इस केस के पीछे हमने इतना वक्त बर्बाद किया, इतनी एनर्जी बर्बाद की, इतना टेंशन लिया, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब जब हमने गुनहगार को ढूंढ लिया है तो आप केस वापस ले रही हैं? मिस निशा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने पुलिस की कोशिशों को क्या तमाशा समझ रखा है? जब दिल में आया केस कर दिया, जब दिल में आया केस वापस ले लिया। इंस्पेक्टर साहब, इंसान की कुछ मजबूरियां होती है। मैं चाहती हूँ गुनहगार को सख्त से सख्त सजा मिले, पर मेरे चाहने से क्या होता है? मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारियां है, मेरे केस वापस न लेने से किसी की जान जा सकती है। जान जा सकती है? किसकी जान जा सकती है, किसकी वजह से बताइए? जिसकी वजह से है उसे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते और ना ही उसे कोई सजा दे सकते हैं। ऐसा कौन सा गुनहगार है जिसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती या सजा नहीं दे सकती? वो गुनहगार कुदरत है इंस्पेक्टर साहब। मेरी माँ का जो ऑपरेशन हुआ था, सही वक्त पर दवाइयाँ न मिलने से वो केस बिगड़ गया और अब डॉक्टर्स कहते हैं कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी माँ नहीं बच सकती। तो ये बात है, यानी आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर सौदा किया जा रहा है। कॉपी आता क्या आपके पास? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको भी तो कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है, हवालत में बंद गुनहगारों को छोड़ना पड़ता है। मुझे भी अपनी माँ की जान बचाने के लिए आज ये समझौता करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। और अगर ये समझौता ना करना पड़े तो? मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है इंस्पेक्टर साहब, वरना मुझे इतनी मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ती। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए रुपयों का इंतजाम हो जाए। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? करीब 30,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। 30,000 रुपए? हेलो, हाँ विक्रांत, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा इनविटेशन कार्ड मिल गया मुझे। अच्छा विक्रांत सुनो, मुझे अर्जेंटली 30,000 रुपये की जरूरत है। हाँ इमरजेंसी ये समझ लो। देखो इंतजाम हो सकता है या नहीं तुम मुझे पुलिस स्टेशन में आके बताओ। नहीं, मैं तुम्हें फोन पे पूरी डिटेल्स नहीं बता सकता, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके बाय। रुपयों का इंतजाम हो गया, पर मैं ये रुपये कैसे ले सकती हूँ? मैं आपको लौटाऊंगी कैसे? देखिए ये पैसों का हिसाब मेरे और मेरे दोस्त के बीच हो जाएगा, आई विल पे हिम बैक, पर मैं उस रईस ज़ादे रॉकी को नहीं छोड़ूंगा। आप बेकारी क्यों नुकसान उठाना चाहते हैं? मैं उस अमीर ज़ादे का गुरु तोड़ना चाहता हूं और मैं किसी भी हालत में नुकसान नहीं उठा रहा हूं। इस एक केस की वजह से मैं उन दौलतमंदों के दिल में डर बिठा देना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि वो रुपयों की ताकत से कुछ भी कर सकते हैं, और उन रईस ज़ादों को भी सबक मिल जाएगा जो लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाकर बेदाग छूट जाते हैं। आप जाकर अपनी मां का इलाज करवाइए, पैसों की चिंता मत कीजिए। आप
आकाश, अगली पेशे में आप कोर्ट में रहेंगे। बंडा और उसके आदमी की सजा का इस पेशे में फैसला हो ही जाना चाहिए। हाँ, वैसे तो उस पर काफी चार्जेस हैं, लेकिन मैं उसे जिंदगी भर जेल में सड़ते देखना चाहता हूँ। आकाश, मैं फोन रखता हूँ, विक्रांत आने वाला है, मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। आने वाला नहीं है दोस्त, आ गया। लो आ गया। ये लो पैसे। थैंक्स विक्रांत। ये थैंक्स वैंक्स करेगा ना तो ये पैसे वापस ले लूंगा, समझे? ये बताओ तुम्हें पैसे चाहिए क्यों? अरे भाई साहब, अभी भी आए हो, जरा रुकोगे ना? बताता हूँ। निशा, अब ये पैसे लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझ पर जो एहसान किया है। देखिए, मैंने आप पर कोई एहसान वैसा नहीं किया, मैंने आपकी सिर्फ मदद की है। जाइए, अपनी माँ का ऑपरेशन करवाइए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। ओके। ये मामला क्या है भाई? विक्रांत, इस शहर का एक नामी आदमी है, बिजनेसमैन है, रणवीर। और ये लड़की जो अभी भी गई ना, इसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल में जाने के लिए ये बस स्टॉप पर खड़ी थी, और शायद अचानक उस दिन बस वालों ने स्ट्राइक कर दी। मजबूरी में इसने रणवीर के साहबजादे की कार में लिफ्ट ले ली, और उस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद ने मौका देकर इसका रेप कर दिया। साला हराम साला। विक्रांत, निशा ने केस दर्ज किया, फिर हमने मेहनत की और रॉकी तक पहुंचे, लेकिन इस दरमियान निशा की माँ का ट्रीटमेंट वक्त पर ना हो पाने के कारण नौबत ऑपरेशन तक आ गई। ओह माय गॉड। और ये बात रॉकी को पता चली, और उसने मजबूरी का फायदा उठाकर निशा से कहा केस वापस लेने के लिए, और उसे पैसों की शर्त रख दी। तो निशा की मजबूरी का फायदा ना उठा सके और रॉकी को उसके की सजा मिले, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया? हाँ विक्रांत, मैं उस अमीरजादे की सारी अकड़ निकाल देना चाहता हूँ, ताकि फिर कोई बिगड़ी हुई औलाद किसी असहाय मजबूरी लड़की का फायदा ना उठा सके। वेरी गुड विजय, वेरी गुड। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए।